वो कैसा लगा आपका ये जगह? बहुत बढ़िया। दर्शकों को क्या कहना चाहते हो? दोबारा विजिट करें। मैराथन होता है और सर्दी में इसको सर्दी में फ्रीजिंग के टाइम पर भी लेक देखने वाला काफी टूरिस्ट आते हैं। अभी काफी ठंडा ठंडा हवा चल रहा है दोस्त, और हम लोग जो रात में रहेंगे, रात का जो टेम्परेचर यहाँ पे रहेगा -9। हाथ में मत लगाओ। बिल्कुल नमकीन है। पेंगोंग लेक को बाय बाय करते हुए हम आगे चलेंगे मिरिक तक। सबसे पहले हमारा टारगेट है मिरिक, 30 किलोमीटर यहाँ से आगे है। ले लद्दाख टूर का आप वीडियो देखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपका जो फ्यूचर प्लान, रोड कंडीशन, कहाँ रुकेंगे, कहाँ पानी का सुविधा है, कहाँ रुकने का सुविधा है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन के साथ मेरा ये वीडियो रहता है और थोड़ा सा लेंथी जरूर मैं बनाता हूँ। अभी हम लोग पहुँच गए हैं चोसुल में। हेलो व्यूअर्स, जय हिंद, मैं हूं रतन विश्वास। दोस्त, पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा हमने पहुंचे थे दुर्बुक तक। ये दुर्बुक से आगे आज हमारा जर्नी शुरू हो रहा है और आगे जाना है पेंगोंग लेक, जो कि 119 किलोमीटर है। हमारा आज का जर्नी पेंगोंग लेक तक ही नहीं सीमित रहेगा, क्योंकि हमें आगे जाना है और पूरा लद्दाख क्षेत्र को हमें कवर करना है। तो ये जो दुर्बुक क्षेत्र है, मैं इसका बारे में थोड़ा बता दूं आपको। लेह से जब आप पेंगोंग लेक जाते हो तो कारू चांगला होते हुए, दुर्बुक होते हुए आप आगे जा सकते हो पेंगोंग लेक। और दूसरा हम लोग जो फॉलो किए थे नुब्रा वैली से सोयग वैली होते हुए हम दुर्बुक पहुँचे थे, देन हम यहाँ से आगे जाएंगे पेंगोंग लेक तक। हमने अभी तक जो नोटिस किया है, ज़्यादातर लोग कारू चांगला होते हुए, दुर्बुक होते हुए पेंगोंग लेक तक जा रहा है। हमारा जो रोड था, आप देखा होगा काफ़ी खराब रोड है। इस रोड पे काफ़ी ट्रैफिक कम भी था, तो ये चीज़ मैं आपको बारीकी से आपको देखा है पिछले वीडियो में। आप चाहे तो दोबारा उस वीडियो को देख सकते हैं अगर इस रोड को फॉलो करते हैं तो। दुर्बुक से आगे का रोड भी ज़्यादा आरामदायक नहीं है दोस्त। देखिए यहाँ का रोड भी काफ़ी ख़राब है और मुझे पता नहीं आगे कहाँ तक ऐसा रोड रहेगा। तो मैं आपको जाते हुए दिखाते हुए जाऊँगा, ताकि आप जब विजिट करेंगे यहाँ पे आपको माइंड में ये रहे, इस रोड आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। दोस्त मैं एक चीज़ बताऊँ, मैंने जितना वीडियो अपलोड किया या अपलोड करेंगे लेह लद्दाख टूर का, तो सारी चीज़ आप अगर मेरा वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहेगा यहाँ का बारे में, यहाँ रोड का बारे में, और यहाँ का सारे डिटेल्स जानकारी मैं उसमें दिया हूँ, सब कुछ आपको मिलेगा। ये जो इतना लंबा पीरियड सफ़र रहेगा यहाँ पे लेह लद्दाख का, और उसमें मैं 20 मिनट का एक वीडियो बना के आपको समझा दूँ, यहाँ पे ये मिलेगा, वहाँ पे जाना चाहिए, यहाँ पे ये खाइए, वो करिए, ये सारे चीज़ मुझे लगेगा मैं आपका साथ धोखाधड़ी करूँगा। फिर भी मैं एक वीडियो, मैं शॉर्ट वीडियो मैं आपको बना के लास्ट में बताऊँगा कौन सा जगह आपके लिए सही रहेगा और कैसे आप वहाँ पे विजिट करेंगे, कितना खर्चा होगा, सारे डिटेल्स के साथ एक वीडियो आपको जरूर बना कर दूँ। दोस्त हमारा राइट साइड में दुर्बुक है। दुर्बुक से जैसे हम 8 किलोमीटर आगे आए, ये तांगसे है। इस तांगसे में ये देखिए यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, द वर्ल्ड हाईएस्ट अल्टीट्यूड ये रिटेल आउटलेट है। 12,933 फीट हाइट पे ये आपको पेट्रोल पंप देखने को मिलेगा। यहाँ पे पेट्रोल पंप से ज़रूर पेट्रोल भराइए, अगर रिक्वायरमेंट है तो आगे तक के लिए आपको यही एक पेट्रोल पंप मिलेगा, नहीं तो काफ़ी डिस्टेंस के बाद आपको पेट्रोल मिलेगा। ये जो पेट्रोल का रेट है 105 रुपया पर लीटर आपको मिलेगा। यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम अभी जस्ट नया बनाया है या अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, टॉयलेट बाथरूम का सुविधा यहाँ पर अभी फ़िलहाल नहीं है। एक मिनट, नीचे उतरो, नीचे उतरो, साइड करो, हमारे सामने दिया है, हमारे पीछे जरूर साइड करो, साइड करो, अबे जो हम सिगरेट पी रहे हैं हमारे पीछे खींच लेता है। अरे साइड करके खड़े करो ना। यहाँ पे एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। इस रोड पे मैं हमेशा यही बताना कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ही कॉशियसली ड्राइव करना है।
दोस्त आप देख रहे हो ये जो रोड चौड़ा है, यहाँ पे कम से कम 30 फीट चौड़ा होगा ये रोड, और इसी रोड पे अगर एक्सीडेंट हो जाए। दुर्भुग से आगे का रोड भी काफी खराब दिखाई दे रहा है। जैसे पिछले एपिसोड में आपने देखा ही होगा, नुब्रा वैली से जब आए थे वहाँ का रोड का क्या कंडीशन है, तो यहाँ पे भी देखिए सिमिलर कंडीशन अभी सामने दिखाई दे रहा है, और मुझे पता नहीं कहाँ तक ऐसे इस रोड को हमें झेलना पड़ेगा। नहीं नहीं हाथ में मत लगाओ। देखिए दोस्त यहाँ पे काफी सारे आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे भी दो है। एक इधर भी है। ये जो आपने चिकमंगरू देखा है इनका ये होल है, इसी पे ये लोग गुजारा करते हैं। ऐसा कहीं मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे भी है। यहाँ पे काफी सारे याक आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ये ग्रीनलैंड में ये लोग चल रहा है और घास खा रहे हैं। बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल एक व्यू यहाँ पे है। जाते टाइम आप यहाँ पे भी रुक के थोड़ा इनका भी फोटो करा खींच सकते हैं। देखिए यहाँ पे बादल बिल्कुल नहीं है, हल्का सा थोड़ा सा है, और देखिए वहाँ से लेफ्ट साइड में यहाँ पे चांद दिखाई दे रहा है, मून। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है दिन में, और वो भी कितना बजे टाइम है अभी भाई? 1:45 में मून देख रहा हूँ। ये देखिए फिर से हम वो रिवर का किनारे पहुँच गए। ऐसे भी हम रिवर किनारे किनारे आ रहे हैं। कुछ कुछ जगह पे थोड़ा सा ठीक है, कुछ कुछ जगह बहुत ही खराब है। और देखिए यहाँ पे पत्थर तो रख के गया, बट कब उसका रिपेयर करेगा वी डू नॉट नो। और इस रोड पे देखिए आगे तक कोई भी मूवमेंट नहीं दिख रहा है। एक ब्रिज इधर बना दिया उन्होंने, एक ऊपर राइट साइड में भी चल रहा है। ये जो रोड अभी जा रहा हूँ, देखिए इस रोड के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस वीडियो देखते हुए आपको क्या मन में आ रहा होगा? देखिए लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हो ना, ये ज़्यादा लेफ्ट में मत लो, क्योंकि वो लूज पत्थर लगा हुआ है वो, ठीक है, वो सॉलिड नहीं है वो। यहाँ अब देखिए बंद कर दिया आगे, थोड़ा पीछे करो। तो दोस्त देखिए वो काफ़ी नीचे दो कार आ रहा है, तो उसके लिए हमने साइड दे दी ऑलरेडी, यहाँ पे रुक गया हम। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा पीछे पीछे करो। अभी देखिए हम रिवर का नीचे जा रहा है बिल्कुल, देखिए दोस्त देखिए रोड ये है लद्दाख। अगर इसको आप झेलने के लिए तैयार हो देन लद्दाख में आप आइए, एंजॉय करिए। थोड़ा स्पीड अप करो, अदरवाइज चढ़ नहीं पाओगे। स्लो भी स्लो। ओहो रियली दोस्त, ये जो है ना जब तक आप नहीं आओगे इस रोड का एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आपको ये वीडियो में कुछ पता नहीं लगेगा क्या है एग्जैक्ट। रियली सांस हमारा बंद हो जाता है जब यहाँ पे पहुँचता हूँ। ओह ये जस्ट सामने ही हमारा पेंगोंग लेक है, फर्स्ट व्यू ऑफ पेंगोंग लेक, और यहीं से यहाँ पेंगोंग लेक का जर्नी शुरू होगा हमारा। ये देखिए यहाँ पे हम लोग लेक की ओर पहुँचने वाला है, और बिल्कुल रिवर का बीच में से ये रोड, पता नहीं ये रोड कहूँ क्या कहूँ, रिवर में हम लोग चल रहा है। पानी है नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं है रिवर का,
जस्ट एक ट्रैक बना हुआ है गाड़ी जैसे जाने के लिए। दोस्त यहाँ पे दो रोड जा रहा है, एक लेफ्ट साइड में एक विलेज जा रहा है, विलेज में नहीं जाना, राइट साइड में ऊपर जाइए तो आपको मिलेगा पेंगोंग लेक। देखिए लेफ्ट साइड में हमारा पेंगोंग लेक का एरिया शुरू हो गया। व्यू देखिए जस्ट, ये कलर ऑफ द लेक देखिए दोस्त, ब्लैक एंड ब्लू। हाँ, तो फाइनली वी हैव रीच्ड टू पेंगोंग लेक और ये पार्किंग एरिया में अभी हम लोगों का पार्क होने जा रहे हैं और कार, और यहाँ पे 3 एडिट का जो शूटिंग हुआ था इस पॉइंट पे हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। यहीं लगा दो। आप लोग कहाँ से? आर्मी से। ये कार्ड ले जाइए मेरा, मैं भी एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, मैं अजय वांटर से रिटायर हुआ हूँ। जब तक है जान इस मोटरसाइकिल में चले थे क्या? हाँ जी, कितना चार्ज लेते हो इसके लिए? हाँ जी 50 100 अच्छा 100 रुपया। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर मेरा नाम कंचुक सिपेल। अच्छा जी, आप यहीं पे रहते हो? हाँ जी, मैं लद्दाख। ये है लद्दाख का रहने वाला हूँ। कितना दूर घर आपका? मेरा घर चाइना बॉर्डर में, चिशुल गांव का। चाइना बॉर्डर में? हाँ। चाइना देखते हैं वहाँ से? दिखाई देते हैं? यहाँ से दिखाई नहीं देते। मतलब आपका घर से? मेरे घर से नहीं दिखाई देते, मेरे घर से थोड़ा दूर है, 10-20 किलोमीटर के दूर में। अच्छा, इस लेक से कितना दूर है चाइना बॉर्डर? लेक से तो अभी बहुत दूर है सर, लेक अभी यहाँ से आगे जाके और 20-25 किलोमीटर जाने के बाद फिर चाइना बॉर्डर दिखाई देगा दूर दूर से। अच्छा जी। हाँ सर, सामने से नहीं देखेगा, चाइना का एक्टिविटी नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ आपका क्या है, आप किस एक्टिविटी में हो, आप क्या करवाते हो? मैं तो टैक्सी चला रहे सर। टैक्सी चला रहे हो? टैक्सी ड्राइवर है। अच्छा, यहाँ के बारे में थोड़ा बताइए, कब से कब तक ये विजिटर आते हैं, क्या है यहाँ पे, कब बर्फ गिरता है, क्या है? अभी इसमें सर अक्टूबर से सोनो गिरना शुरू हो जाता है, मगर सोनो टिकता नहीं है इसमें एरिया में, और जो है ना सर नवंबर 25 से लेक फ्रीजिंग होना शुरू हो जाते है, फिर सर्दी में इस पेंगोंग लेक में थोड़ा फ्रोजन मैराथन बोर्ड के चलता है, एक बार मैराथन चलते है वही इस लेक के ऊपर। हाँ, इस लेक के ऊपर। अच्छा, अभी भी हर साल होता है ये? अभी एक साल हुआ था सारा मैराथन शुरू हो के। अभी हमारा यूटी बनने की बात, अभी बहुत कुछ एक्टिविटी चल रही है, पहले तो नहीं है सर। अच्छा, सिर्फ मैराथन नहीं होता है, और कुछ होता है? मैराथन होता है, और सर्दी में इसको सर्दी में फ्रीजिंग के टाइम पर भी लेक देखने वाला काफी टूरिस्ट आते हैं। वो आर पार कर सकते हैं हम? आर पार कर सकते हैं, मगर यहाँ से वहाँ पार करना मना है सर। अच्छा, अंदर किसी को विजिटर को अलाउ नहीं करते जाना? अलाउ नहीं है, मगर जाने वहीं किनारा तक जा सकता है, मगर पार करना मना है। अच्छा, क्योंकि यहाँ बॉर्डर पड़ते है इसलिए पार करना मना है। एक स्कूटर है, वो कौन सा पिक्चर हुआ था? 3 इडियट का पिक्चर हुआ, शूटिंग हुआ था, पिक्चर मूवी हुआ था। बिल्कुल नमकीन है, ये जैसे लगता है समंदर किनारे पे हम लोग है, और इसका जो पानी है नमकीन जैसे है, बट यहाँ पे मीठा पानी होना चाहिए था क्योंकि चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ का बीच में ये लेक है, इस लेक का पानी मीठा होना चाहिए था, बट आई डोंट नो क्यों है ऐसा है। ये सीरीज ऑफ रेस्टोरेंट है यहाँ पे, वो लास्ट तक 3 बज गया है हमारा, ये जो पेंगोंग लेक ये विजिट कर लिया, और जैसे पेंगोंग लेक के ऊपर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट आपका देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप खाना पीना कर सकते हैं। हमने एक रेस्टोरेंट पे रुका हूँ, और आज का जो हमारा लंच रहेगा, एक थाली 180 रुपया पर प्लेट का रहेगा। जैसे ही हम लंच करेंगे दिन आगे बढ़ेंगे, कहाँ के लिए? मिरिक के लिए। एक रूम। ये आपका कितना रूम है यहाँ पे? 4 रूम है। चार रूम है, क्या चार्जेस है आपका एक रूम का? एक रूम का सर विद फूड।
2500 के लिए। पानी गरम पानी अगर है जी सर, वो बकेट सिस्टम कल बोले ठग लेन कैंप। अभी लेफ्ट साइड में हम टर्न ले रहे हैं, ये अभी हम लोग जाएंगे मिरिक। ये देखिए लेफ्ट साइड में अभी पेंगोंग लेक को बाय बाय करते हुए हम आगे चलेंगे मिरिक तक। सबसे पहले हमारा टारगेट है मिरिक, 30 किलोमीटर यहाँ से आगे है। ये देखिए यहाँ पे कैंप है सब, यहाँ पे भी आप लोग स्टे कर सकते हैं। काफी सारे कैंप आपको दिखाई देगा यहाँ पे। देखिए राइट साइड में ये सब विजिटर स्टे के लिए है, ये मेरा एरिया है, मेरा स्पेलिंग है MERK मिर्क। यहाँ पे सारे आपको होम स्टे या आप कैंप रिसोर्ट यही मिलेगा, रेसिडेंट जो रुकने के लिए यहाँ पे मकान कभी मिलेगा आपको, सारे होम स्टे या होटल या रिसोर्ट यही सब मिलेगा। और यहाँ 30 किलोमीटर तक हम पहुँच गए हैं, 32 किलोमीटर तक। ये लेक अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, ये लंबा चौड़ा लेक है। ये लेक जो है ये चाइना में भी ये लेक गया है। यहाँ का जो टोटल लेंथ है इसमें 30-40% हमारा इंडिया में है, बाकी सारे चाइना में है। और एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ, इस एरिया में जैसे पेंगोंग लेक जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से हमारा BSNL छोड़ के जियो एंड एयरटेल ये अभी काम नहीं कर रहा है। 35 किलोमीटर तक पहुँच गया। दोस्त एक चीज़ मैं और बताऊं, धूप तो है, अभी शाम को 4:30 का समय है। इसमें देखिए इस रोड पे हमारा कार छोड़ के किसी व्हीकलर मूवमेंट या कोई पेडेस्ट्रियन कोई भी किसी को भी इस रोड पे दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ का रोड तो बढ़िया है और स्ट्रेट रोड भी है, बट ऊंचा नीचा है, ऊंचा नीचा है, इतना तो आपको सहना ही पड़ेगा। पेंगोंग लेक के बाद मिर्क आता है, मिर्क के बाद जो आगे के लिए हमें जाना है, ये रोड देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट रोड है। वो दूर तक यहाँ से कम मेरे को 15 किलोमीटर दिखाई दे रहा है। सुबह जब हम लोग स्टार्ट किए थे नुब्रा वैली से, 140 किलोमीटर तक पहुँचने को लग गया हमें पेंगोंग लेक तक, और हमारा समय लग गया था 5 घंटा। उस साइड का रोड काफ़ी ख़राब था, आपने देखा होगा अभी तक जो वीडियो आपने देखा होगा, रोड कंडीशन बहुत ही ख़राब था। बट जैसे ही हम पेंगोंग लेक से आगे मिर्क होते हुए चुसुल तक जब जा रहे हैं, तो चुसुल तक का जो रोड है ये रोड बहुत ही अच्छा है। 50 किलोमीटर तक हम लोग आ गया और 1 घंटा समय लगा, तो आप समझ सकते हैं इस साइड का रोड बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में से जा रहा हूँ, देखिए ये रिवर तो है नहीं, रिवर टाइप लग रहा है हमें, उसी का बीच में से रोड बना दिया गया है। वेकुलर मोमेंट ट्रैफिक कुछ भी नहीं है इस रोड पे, बिल्कुल आँख जहाँ तक पहुँच रहा है वहाँ तक ये रोड दिखाई दे रहा है आपको। और ख़ास करके यहाँ पे वेजिटेशन बिल्कुल ही नहीं है, दोनों साइड में बिल्कुल सूखा ज़मीन, बंजर ज़मीन है, खेतीबाड़ी भी नहीं होता है इस एरिया में। बारिश भी होता कम होगा यहाँ पे, क्योंकि इसका ऐसा साइन तो हमें देख नहीं रहा है जो बारिश होता है। देखिए हम लोग चुसुल पहुंच गए हैं और काफी धूप है यहाँ पे इस एरिया में। यह परमानेंट कंस्ट्रक्शन जो हमारा साइड में होता है, ऐसे टाइप मकान हमें देखने को नहीं मिलते। दो यहाँ पे पक्का मकान है बट उसी टाइप का नहीं है, उसी नेचर का नहीं है, जस्ट इन्होंने समहाउ गुजारा कर रहा है, इसी टाइप मकान बना के रखे हैं। हम लोग पहुँच गए हैं चुसुल में, ये जगह हमने सर्वे के बाद ये जगह देखिए इस एरिया में हम लोग पहुंच गए। यहाँ पे पानी का सोर्स भी है और बहुत ही खुला मेला एरिया है, और देखिए यहाँ पे टेंट लगा दिए हम लोगों ने, और रात में हम लोग यहीं रहेंगे और आगे के लिए कल सुबह जब मुलाकात होगा तब हम बताएंगे आपको कहाँ जाएंगे। तो फिलहाल यहीं पर हमारा डिनर, चाय पानी, नाश्ता सभी यहीं पर हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर एक जगह हमें मिल गया ढूँढने के बाद, तो कल सुबह आपसे मुलाकात होगा, उससे पहले एक बार दिखा देंगे हमारा डिनर पार्ट में। ठीक है सभी।
काफ़ी ठंडा ठंडा हवा चल रहा है दोस्त, और हम लोग जो रात में रहेंगे, रात का जो टेम्परेचर यहाँ पे रहेगा -9, अभी माइनस में चल रहा है और यहाँ एक्सपेक्टेड है -9, तो -9 पे इस जगह पे रह रहा हूँ, खाली जगह पे, तो सोच लीजिए किस हालत में हम लोगों को गुजारा है। इंजॉयमेंट का साथ तकलीफ भी है, इंजॉयमेंट भी है, हर एक चीज़ है, मिक्स है।